अच्छा गांव है, आप देख सकते हो यहाँ पे हर तरह का। देखिए ये झरने का पानी, यहाँ पाइप से आता है, और यहाँ पे रहने को होटल वगैरह सब मिल जाएगा। और अभी भी हम लोग नहीं पहुँचे हैं, एक बजने वाला है। और हम लोग वो उसके पीछे वाले पहाड़ से आए हैं पूरा चल के। यहाँ पे हम लोगों ने दो एपी, दो फ्रूटी, एक ओरियो और एक पार्ले 2020 वाटर, एक वाटर बोतल। ये 10 रुपये करके है, लेकिन लिया 20 करके, वो ठीक है, यहाँ पे इतना जायज़ है। और हम लोग को ऐसे सीढ़ी अभी चढ़ के, यहाँ चढ़ के ये पहाड़ को क्रॉस करना है, और फिर उसके बाद उधर जाना है उस पहाड़ में। दिखाता हूँ अगर पॉसिबल हो सके तो। देखो ये यहाँ पे जो व्हाइट कलर का मार्किंग दिख रहा है, एकदम उस पहाड़ के उस तरफ जाना है, ऊपर जाना है। तो देखते हैं कब पहुंचते हैं। अभी कितना बजा है? दो बज गया अभी। चलिए देखते हैं, पूरा मर जाते हैं या आधा।
अभी भी बहुत सारा स्टेप बाकी है, तो यहाँ पे मैं ये दिखा रहा हूँ, ये जो घर नज़र आ रहा है वही से कुछ देर पहले मैं रिकॉर्डिंग करके बोला था कि उस पहाड़ी में उस तरफ जाना है, तो ये जगह है, ये ऊपर वाला दुकान यही दिखता है उधर से, और लिविंग रोड ब्रिज जो है वो ये सब टाउन गांव, ये गांव के उस तरफ, उधर समझ सकते हो आप कितना डिस्टेंस होगा। बाप रे, मेरा तो हालत ख़राब हो गया, जितना आया और भी उतना जाना बाकी है। मैं अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन इतना ब्राइट और इतना ऑरेंज कलर का सूरज मैंने, मतलब सन आज तक नहीं देखा, लाइफ में नहीं देखा, और इतना क्लीन पावरफुल लाइट है, दिख रहा है पूरा ऑरेंज ऑरेंज है, पता नहीं कैमरा में आप देख पा रहे हो कि नहीं, बट कैमरा में नहीं आए, ओरिजिनली जो ब्यूटीफुल होता है ये ब्यूटीफुल। पनीर, मटर पनीर, बॉयल एग, वेज फ्राइड राइस, और मेरा मिक्स्ड फ्राइड राइस आने वाला है। गरम है यार, अभी करके दिया, खाना किया, खाना मत बोलो। तो गुड मॉर्निंग, और नया दिन, हम लोग सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स की तरफ जो आ रहे थे कल रात को, इतना रात हो गया कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो उधर ही एक होटल लेके रह गए, तो होटल का बाहर का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया है। और पहले आप होटल का होटल देख लीजिए, होटल का रूम देख लीजिए एक बार, ये देखिए, ये बेड, बाथरूम, सोफा, पीछे टीवी, यहाँ पे दो चेयर। तो आज देखते हैं, आज सेवन सिस्टर वाटरफॉल हो क्या। होटल के सामने ये व्यू पॉइंट था हम लोगों का, थोड़ा 2 मिनट चल के आना पड़ा, और यहाँ पे सुबह सुबह उठ के निकलने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। सुबह मैं 1 घंटे पहले यहाँ पे आया था, यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा क्लाउडी क्लाउड था, ये अभी दिख रहा है, 1 घंटा पहले वो भी दिख नहीं रहा था। तो नीचे एक रिवर, छोटा सा रिवर टाइप का कुछ है, अभी पानी नहीं है। ये होटल में लिया था, होटल वाले से बात किया कि वो लोग बोले कि अभी सीजन का टाइम है, लेकिन कोरोना वायरस के इशू के कारण अभी टूरिस्ट ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हमको रूम सस्ते में मिला, 1500 में मिल गया वो वाला रूम जो आपको दिखाया था।
चुके हैं कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। एक्चुअली कल हम लोग जो डबल डेकर रूट ब्रिज गए थे, तो वहाँ पे चलने के बाद कल रात को रेस्ट लिया होटल में, फिर भी ये सब दर्द कर रहा है, पैर दर्द हो रहा है। और अभी भी हम लोग आज सेवन सिस्टर फॉल्स के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं था, पानी ही नहीं था, एक बूंद भी पानी नहीं था, और फॉल्स कहाँ थे वो। और आर्मी वालों का एक क्या बोलते हैं उसको, पार्क, आर्मी वालों का एक पार्क था, वो बहुत ही बढ़िया था, जहाँ अंदर लेक था, एक अच्छा रिवर था जो कि गूगल मैप में दिखा रहा था। तो वहाँ पे आर्मी लोगों से बात हुआ, तो हम नीचे गए, वहाँ पे देखा गेट क्लोज था, एक्चुअली पूरा साल खुला रहेगा, सिर्फ वेडनेसडे पर बंद है। और मैं रिकमेंड करूँगा आप वहाँ पे जाए, वो बहुत बढ़िया है, पूरा एकदम नीचे बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर के पूरा साइड से रास्ता गया हुआ है, और व्यू बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्लीन साफ सुथरा जगह है, अब एक बार जाओ। अभी हम लोग निकले हैं डॉकी की तरफ, और अभी भी यहाँ से 40 किलोमीटर बाकी है, देखते हैं पहुँचते हैं कब। डबल डे का रूट भी जाने के लिए हम लोगों का पूरा एकदम हालत पतला हो गया, सब ठीक है, पैर बहुत दर्द कर रहा है, और कुछ नहीं, इतना सीढ़ी चढ़ने के बाद पहले उतरो, फिर दो पहाड़ क्रॉस करके जाना पड़ा। निकलते हैं यहाँ से, 40 किलोमीटर पहुँचना भी है अभी, देखते हैं।
पहुंच गए हैं डॉकी और यहाँ पे नज़ारा देखो, ठीक है। यहाँ पे बोटिंग करने का लेता है 800 रुपये, एक जन जाओ, दो जन जाओ, तीन जन जाओ, मतलब फिर भी बांग्ला निकल रहा है, एक दो तीन कितने भी आदमी जाओ मोटामोटी 800 रुपये लगेगा। आप कितना भी आधा घंटा, एक घंटा, डेढ़ घंटा, कितना भी टाइम लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। टिकट देखो, ये लो टिकट, ये देखो टिकट, एक मिनट। नो कॉन्सेशन, प्योर 800 रुपये। चलो तो चलिए दिखाते हैं। तो वो है बांग्लादेश और ये है इंडिया। इंडिया चलो इंडिया पूरी ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट क्रॉस द बॉर्डर इंडिया। एक ही जगह है जहाँ पे हम चल के बांग्लादेश जा सकते हैं विदाउट वीजा पासपोर्ट, राइट। We'll be right back.
तो यहाँ पे रुके हैं मैं कॉफी देख के लिए, और वो नहा रहा है, मतलब पानी देख के उसको नहाने का मन हो रहा था इसलिए। और मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे कैंप है, कैंप भी आप कर सकते हो। अच्छा रूम जो लिया हम लोगों का 800 रुपये लिया, आप एक घंटा दो घंटा रूम का ले सकते हो। और एक 19 मार्च से मतलब कल से यहाँ पे कोरोना वायरस के चलते यहाँ पे सब बोटिंग का सिस्टम बंद कर दिया, पूरा टूरिस्ट का सिस्टम बंद कर दिया। शिलोंग से अब आ नहीं सकते, ऐसे कुछ सुनाई दे रहा है। तो हम लोग जो सरेंद्र फॉल में होटल लिए थे वहाँ पे भी टूरिस्ट बहुत ही कम था, जितना नज़ारा देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। मैं कॉफ़ी ब्रेक के लिए, और वो नहा रहा है, मतलब पानी देख के उसको नहाने का मन हो रहा था इसीलिए। और मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे एक कैंप है, ये कैंप भी आप कर सकते हो। 19 मार्च से मतलब कल से यहाँ पे कोरोना वायरस के चलते यहाँ पे सब बोटिंग का सिस्टम बंद कर दिया, पूरा टूरिस्ट का सिस्टम बंद कर दिया। शिलोंग से अब आ नहीं सकते, ऐसा ही कुछ सुनाई दे रहा है। हम लोग जो सेवन सिस्टर फॉल में होटल लिए थे वहाँ पे भी टूरिस्ट बहुत ही कम था, जितना भी सामान होता है कचरा वो सब एक जगह पे डस्टबिन बना के, पत्थर का डस्टबिन बना के यहाँ पे देखिए। अच्छा अच्छा, अगर कहाँ पे है? इधर है आपका सामने, ये यहाँ यहाँ आपका लेता ना, ये क्या खाना है, मतलब चावल वावल? चावल चावल चावल। जैसा आप दोनों तो जैसा 150-200 ज़्यादा होता खाएगा, अभी पैकिंग करेगा लो। मैं इन भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। इनका एक शॉप भी है खाना खाने का, आप यहाँ पे रहोगे तो इनके शॉप में आ सकते हो, खाना खा सकते हो। अभी तो नहीं खाता ना, बट आप खाएगा तो अभी ऑर्डर करना? नहीं अभी नहीं खाएंगे, रात को। तो रात को खाएगा मतलब? हाँ। अभी ऑर्डर करने से बुकिंग कर गया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। डरता है यार। नहीं, बहुत लंबा है इसलिए ना। हाँ हमको भी डर लगेगा यार, इतना
नहीं ऐसा नॉर्मल पत्थर नहीं होगा तो डर नहीं लगेगा, जैसे पत्थर है ना गिर गया तो जल्दी जल्दी कम ऑन कम ऑन कम ऑन ये यूट्यूब में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब कर देना कॉन्टाई राइडर्स। और बोट का कलर देखो, अभी होटल में पहुंच गए, खाना खा लिए और अभी रेस्ट करने का टाइम है तो रेस्ट करेंगे। अभी 10-12 कुछ ऐसे टाइम हो गया तो अभी रेस्ट करेंगे। कल सुबह उठ के हम लोगों का प्लान था कि शिलांग जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे और हर जगह पे जो कोरोना वायरस के वजह से चारों तरफ बंद सुनाई दे रहा है, इसके चलते हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि हम अभी यहाँ शिलांग में नहीं रुकेंगे, कल सीधे एकदम फ्रेंड के पास जाएंगे उसके फ्लैट में गुवाहाटी में, और उसके बाद वहाँ से सीधे घर चले जाएंगे। तो हम लोगों का प्लान था 1-2 दिन दार्जिलिंग में जाए घूमने के लिए, बस स्टे करे, बस वो प्लान अभी कैंसिल है। हम लोगों को अभी घर वापस जाना है क्योंकि चारों तरफ सिक्किम भी बंद हो गया है, मतलब टूरिस्ट के लिए सब जगह बंद कर दिया है। यहाँ से हम लोगों को जाना था बांग्लादेश बॉर्डर, यहाँ से थोड़ा 7 किलोमीटर दूर है, तो एक लोकल लड़के से भी बात हो गया था लेकिन आर्मी ने परमिशन नहीं दिया, और ऐसे ही 1-1.5 महीना तक पता नहीं कितने टाइम तक, इसके चलते हम लोग ना सोचा कि घर जाना ही बेहतर रहेगा। तो फिर जान रहे तो वापस दोबारा आएंगे। बारिश के सीज़न में मेघालय सबसे बेस्ट टाइम है घूमने के लिए, और वापस जाने का वीडियो मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वही सेम है, वही सेम रास्ता है, सेम जगह से हम लोगों को वापस जाना है। तो ये वीडियो मेघालय का ट्रिप का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और एक लाइक कर देना वीडियो को, और जो लोग नए हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, और मेरा एक दूसरा वीडियो का पार्ट आएगा, मतलब मेघालय ट्रिप के बारे में ही आएगा और कितना खर्चा हुआ, कौन से दिन कहाँ जाना बेहतर रहेगा, एक्चुअली वो उसके रिगार्डिंग एक वीडियो रहेगा, तो वो ज़रूर देख लेना, और अगर हो सके तो दोस्तों को शेयर भी कर देना। टिल देन हैव ए गुड डे।